हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया होंगे। और दोस्तों, मैं जा रहा हूं अभी पीलीभीतर से बठिंडा की तरफ। और रास्ता कुछ ऐसा है कि क्या बताया जाए, कि धुंध हो रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा मेरे को। तो भाई अभी मैं पूरा फिर कैमरा दिखाता हूं आपको। तो ये देख लीजिए क्या दिखाई दे रहा है भाई। क्या बताऊँ इस रास्ते के बारे में, मेरे को खुद को नहीं समझ में आ रहा कि मैं हूँ कहाँ पर यार। गूगल मैप लगा रखा है, बस इसी से चल रहा हूँ, क्योंकि सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा। साइड में पता नहीं खेत है, खाली है। इस साइड का तो कुछ समझ में नहीं आता। कभी कभी जैसे गाड़ी पास से होती है तो हवा की जैसे लौट जाती है, फिर वापस आ जाती है। दोस्तों, जब से मैं हनुमानगढ़ के अंदर आया तब से मेरे को ईंट ईंट दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे चारों तरफ ईंट के भट्टे हैं और चारों तरफ ईंट ईंट बनाई जाती है। भाई इतनी ईंट बनाई जा रही है, कोई हद ही नहीं है यार। और चल रहे हैं अभी बठिंडा के लिए। बठिंडा यहाँ से 105 किलोमीटर, तो शायद आज शाम तक मैं बठिंडा क्रॉस कर जाऊँ जहाँ तक है। और इधर देखिए पूरा सरसों का खेत, मतलब पूरी फसल सरसों गेहूँ हो रहा है यार इधर। तो देखते हैं अच्छी सी लोकेशन पे चलते हैं यार, कोई जहाँ पे बढ़िया तरीके से सरसों दिखे, वहाँ चल के फिर वीडियो बनाते हैं। भाई बहुत अच्छा लुक लग रहा है मेरे को अभी से, तो चलते हैं अभी। तो ये देखिए दोस्तों, पूरा येलो येलो दिख रहा है। भाई क्या बात है यार, चारों तरफ हर पीली पीली सरसों और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। देखो ये थोड़ा सा यार है बीच में, कहाँ से कचरा आ गया। और चलते हैं, इधर अपनी साइकिल खड़ी है, देख सकते हो रोड के साइड में जस्ट, और पूरा चारों तरफ सरसों ही सरसों है। तो चलते हैं यार, ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास आज। तो फाइनली मैं अभी खड़ा हूँ हरियाणा बॉर्डर से 2 किलोमीटर पीछे, और भाई लोग मिल गए। तो भाई लोगों के साथ आज राजस्थान की लास्ट ट्राई होगी मेरी आज की, आज जो भी लास्ट है मेरा, इसके बाद हरियाणा आ जाएगा। तो फिर हरियाणा चाय पी के फिर पंजाब में एंटर करेंगे हम लोग। तो चले भाई जी। तो यहाँ पे पास में होना चाहिए चाय का, तो इधर ही होना चाहिए राजस्थान बॉर्डर पे। यहाँ पे चलिए आ जाओ। दोस्तों फाइनली भाई लोगों के साथ चाय पी रहा हूँ मैं अभी, और यहाँ से चाय पी के निकलते हैं हरियाणा के लिए सीधा डायरेक्ट। तो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होती है हरियाणा बॉर्डर, और अभी तुम्हें बता दूँ कि मेरा हो गया टोटल 18 स्टेट कंप्लीट। अभी जैसे ही मैं राजस्थान छोड़ा हूँ, टोटल 18 स्टेट कंप्लीट हो गया। जैसे ही मैं पंजाब के अंदर एंटर करूँगा तो मेरा 19वां राज्य पंजाब होगा। तो चलते हैं अभी हरियाणा बॉर्डर, ज़्यादा लंबा नहीं है। यहाँ से हरियाणा का जो एरिया है वो केवल है 20 किलोमीटर का। तो सीधा 20 किलोमीटर से आगे निकलते हैं पंजाब में, और फिर देखते हैं कहाँ तक रुकेंगे, क्या करेंगे, कहाँ खाएंगे। तो बठिंडा पहुँचेंगे या नहीं पहुँचे वो बाद की बात है, पहले चलते हैं यहाँ से। देखिए दोस्तों जुगाड़, भाई बाइक से धक्का मार रहे फोर व्हीलर को, तो इतना देखो देखो। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ बठिंडा, यहाँ से बठिंडा स्टार्ट है। और ये टावर देखो, एम्फिल टावर लग रहा है, जैसे कि एम्फिल टावर हो। जो डिजाइन देखो यार इस टावर की, मेरे को तो ये नहीं समझ आया किस तरीके से। और चलते हैं यहाँ से अभी सीधा सीधा। दोस्तों अभी हो चुकी है नाइट, और जस्ट मैं जा रहा हूँ अमृतसर के लिए। और यहाँ से अमृतसर काफ़ी दूर है, लगभग 150 किलोमीटर है। तो यहाँ पे स्टे के लिए कोई जगह ढूंढते हैं और फिर सोते हैं। देखते हैं, देखिए लाइट ऑन हो रखी है सभी गाड़ियों की, तो जगह देख के सो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रुकने खाने का कोई टेंशन होता नहीं है पंजाब के अंदर। तो चलते हैं और मिलते हैं सुबह। जय हिंद, जय भारत।